स्टूडेंट, आज हम आपके साथ एक प्रयोग करने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल आप देखें, यहां एक हम बैलेंस ले लेते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस है। और यहां एक हमने वेट लटका दिया, इसका आप देखें जो वेट होगा वो हमने पढ़ लिया। इसका वेट है W, एक बीकर हमने बर्तन लिया और उसमें पानी भर दिया, वाटर डाल दिया, वाटर से इसको फिल कर दिया। पूरा नहीं भरा है हमने, अब हमने क्या किया, इस टुकड़े को इसमें डुबा दिया। और फिर इसका वेट हमने रिटर्न वेट किया, स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसका वेट आ गया आपका डब्ल्यू डैश। ये देखो, ये हमको मिलता है डब्ल्यू डैश इज लेस देन डब्ल्यू, क्योंकि जब जल्दी इसी वस्तु को हम तोड़ रहे हैं तो उसका वेट कम मिल रहा है और एयर में इसका वेट ज्यादा मिल रहा है। अब एक काम और हम करते हैं, इस बर्तन को हम पूरा भर लें पानी से। इस तरह का कोई इसमें आपका है, यहां तक हमने भर लिया इसको, यहां तक ये वाटर इसमें लगा हुआ है, भरा हुआ है। और यहां एक बर्तन और हमने रख दिया, इससे छोटा, इसको टच करता हूं। अब इसमें उस वस्तु को हमने डाल दिया, यहां से देखो क्या होगा, जब इसको भी इसके अंदर रखेंगे तो ये पानी ओवरफ्लो करेगा, इससे बाहर आएगा और इसमें एकत्रित होगा। इस यहां जो पानी एकत्रित हो रहा है, इसका हमने वेट ज्ञात किया। वेट ऑफ डिस्प्लेस, लिक्विड, यहां वाटर है, वाटर ही हम दिख रहे हैं। ये मान लो कुछ है, एक्स है, तो अब ये हमको मिलता क्या है, W माइनस W डैश। जब हम इसको इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वी फाइंड इट इज इक्वल टू X। फिर से समझो, यहां हमने वेट लिया, स्प्रिंग बैलेंस इसको लटकाया, इसका वेट हमने ज्ञात किया। याद रखो, जो तराजू धरती होती है या फिजिकल बैलेंस जिसको हम बोलेंगे, वो मास कैलकुलेट करता है, वेट कैलकुलेट करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का सहारा लेते हैं।
तो स्प्रिंग बैलेंस से हमने वेट निकाला इसको, अब इसको वाटर में हमने इमर्ज किया, इसका वेट लेकर कमा गया। वेट में ये जो कमी है इसको हमने नोट किया, और फिर हमने क्या किया कि अलग अलग बर्तन में, इस तरह के बर्तन में पूरे का पूरा यहाँ तक हमने भर दिया वाटर, और उसके बाद इसमें डिप कर दिया, इस इमर्ज किया, तो ये वाटर डिस्प्लेस होगा इस दूसरे बर्तन में रखे हुए वाटर का वेट हम निकालते हैं, तो यही यह जो वेट होता है जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है वही डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू गैस के बराबर आता है। तो इसके वेट में जो कमी है, इसके वेट में कमी जो है वही किसके बराबर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब देखो इसमें जो बायंसी एक शब्द आता है, बायंसी बायंसी बायंसी, एंड बायंट फोर्स या थ्रस्ट जिसको कहते हैं, सॉलिड इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड अ थ्रस्ट मींस एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय लिक्विड एट द बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। अब इसी बात को आर्किमिडीज ने देखा, इसी बात को आर्किमिडीज ने देखा और उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन ए बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड देन वाइल फोर्स अप्लाइड एट द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब इसी को देख लिख दिया जाए, व्हेन ए बॉडी is fully or partially immersed in a liquid then a thrust is equal to weight of displaced liquid। तो ये इस तरह से आर्किमिडीज ने फाइंड आउट किया कि जब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पार्शियली या टोटली इमर्ज किया जाता है तो उस पर जो लगने वाला थ्रस्ट है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट दिस वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये पूछा जाता है नाइन्थ में, लोग पूछ देते हैं बड़े आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आपके लिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपके लिए बर्थडे में हो, अभी एट्थ से नाइन्थ में आए हुए हो। देखो कठिन लगता है एट्थ से जब नाइन्थ में आते हो और तब या टेंथ से जब इलेवेंथ में जाते हो तब, तो थोड़ा सा छोटा ही, थोड़ा थोड़ा ही से ही आपको बताया जाए, और क्योंकि आपका सिलेबस लंबा रहे नहीं
अरविंद ट्वेल्थ जैसा कवर भी हो जाएगा, तो आपका सारा जितना जानो व्हाट इज एक्यूरेसी प्रिंसिपल, व्हाट इज बायंसी आर बायंस सोर्स। और फिर इसके बाद अगले वीडियो में वी विल सी दैट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।